नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से डिफरेंट एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का जो एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज्यादा डरावना, साथ ही साथ इतना ज्यादा डिफरेंट होने वाला है कि आप लोगों ने ऐसी कोई सच्ची घटना आज से पहले सुना ही नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज सच्ची घटना इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो आज की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, किसी के साथ घटी, उसके पूरे टीम के साथ घटी बहुत ही ज्यादा खौफनाक सच्ची घटना है। एक रात ऐसा क्या हुआ जो एक लड़की और उसके पूरे 25-30 लोगों का टीम जो था, उसने इतना बड़ा, इतना कुछ भयानक भूतिया एक्सपीरियंस कर लिया। आखिर वो जो लड़के के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम क्या है मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसका नाम धुली चंद है और वो लड़का नागौर राजस्थान का रहने वाला है, जो कि राजस्थान में एक शहर है नागौर नाम का, वहां का रहने वाला है। और उसके लाइफ में सब कुछ आज से यही 2-3 साल पहले सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत नॉर्मल, सब कुछ बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन जब कुछ बुरा होने वाला रहता है, उसकी भनक किसी को नहीं रहती है जिंदगी में। क्या होता है, जो धुली चंद है वो अपना एक फैमिली का बिजनेस संभाल रहा होता है। उसका फैमिली बिजनेस क्या है, जो टेंट होता है ना शादी में, जो खाने पीने का सबको संभालते हैं, जो और टेंट लगाते हैं, सब कुछ जो उनका रहता है संभालने का, वो उनका बिजनेस था कि कोई भी शादी कहीं पे होगी तो हमारा टेंट वहां पे लेके जाएंगे और जो डेकोरेशन से लेके सारी चीजें जो करना रहेगा वो हम लोग करेंगे, हमारी टीम वाले करेंगे। तो धुली चंद भी अपने उसी फैमिली बिजनेस को आगे जिंदगी में कंटिन्यू रखा हुआ चल रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा उसकी जिंदगी में आ जाता है जिस वक्त पे उसका जो ये बिजनेस था, जो भी टेंट वाला बिजनेस, वो पूरी तरह से डाउन होने लगा था। मतलब लोग उसे कम बुला रहे थे और उसका काम बहुत स्लो हो गया था। मतलब वो कहीं पर उसका शादी वादी में नहीं बुलाना, पता नहीं क्यों उसकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब चल रहा था। तभी एक दिन अचानक से उसे एक कॉल आता है। कॉल के दूसरी तरफ कोई आदमी रहता है, बोलता है कि हमारे घर पे शादी है और हमारे घर के शादी में इतना इतना खर्चा लगने वाला है और इतना बड़ा टेंट हमको चाहिए और इतना सब कुछ बनाना वनाना है, खाने वाने का सब कुछ संभालना है और डेकोरेशन में ये हमको चाहिए। तो धुली चंद सुनता है जो बात वो फोन पे जो आदमी बताता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे एक सेकंड में हाँ बोल देता है कि हाँ मैं आपका ऑर्डर ले रहा हूँ और हमारे टीम वाले और हम आएंगे और आपका डेकोरेशन सब कुछ करके देंगे। मैं क्यों बोल रही थी बिना सोचे समझे एक सेकंड में हाँ बोल देता है, क्योंकि उसे बहुत टाइम से कुछ वैसा काम मिला नहीं था जो उसे करना था, और जो जहां से उसको ऑर्डर मिला था ना अभी, वो उसके वहां से नागौर से बहुत दूर था। उसके नागौर से 6 घंटे का रास्ता था और एक कोई बहुत ही छोटी सी गांव से ऑर्डर आया हुआ था उसे। लेकिन वो बिना एक सेकंड सोचे इसलिए हाँ बोल देता है क्योंकि उसके पास भी ऑर्डर बहुत टाइम से नहीं मिला था उसे, इसलिए हाँ बोल देता है। सोचता है अगर एक दिन पहले भी जाना हुआ टीम वालों को लेके तो मैं आराम से चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना कुछ माइंड नहीं करता है। ऑर्डर मिल गया था, धुली चंद भी बहुत ज्यादा खुश था। अभी अपने जितने भी टीम के लोग थे, जो लोग टेंट वेंट लेके जाने वाले होते हैं, जो खाना बनाने वाले लोग होते हैं, सबसे बात बात करता है और बोलता है कि इस डेट पे इस दिन हमको यहाँ के लिए ऐसे निकलना है, सबको सब कुछ बता देता है। सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ भाई ठीक है, हम रेडी हैं, हम लोग जाएंगे। तो अब वक्त आता है वहां पे शादी में उस गांव में जाने के लिए, जिस गांव में ये लोग जाने के लिए ऑर्डर लिए हुए थे अपना टेंट का। तो अपने सब टीम वालों को लेता है एक दिन पहले ही, शादी के एक दिन पहले ही धुली चंद उस लोकेशन में पहुंच जाता है जहां पे उसे जाना था। वहां पे जब वो पहुंचता है ना, तो वहां का जो मंजर था वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही अनोखा मंजर था, और दिल को थोड़ा सा डर लगाने वाला मंजर भी था। क्या मंजर था मैं आप लोगों को सब कुछ डिटेल बताती हूँ। वो जहां पे उसको ऑर्डर मिला था कि हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे टेंट लगाना है, यहाँ पे डेकोरेशन करना है, वो एरिया पूरी तरह से रेगिस्तान वाला एरिया था, पूरी तरह से रेगिस्तान वाला। वहां पे कोई भी एक भी घर नहीं था, किसी का एक भी घर वहां पे नहीं था। उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था कि यहाँ पे एक भी घर नहीं है और यहाँ पे टेंट लगवाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे शादी करने के लिए बोल रहे हैं। कैसे अजीबोगरीब लोग हैं, मतलब कोई कैसे ही लोग हैं, मतलब कोई ऐसी सुनसान जगह पे थोड़ी शादी वादी करता है, या ऐसी जगह पे। एक तो वैसे ही खौफनाक से अजीब से दिखाई दे रही है, और रात का मंजर यहाँ पे कितना ज्यादा खौफनाक होता होगा क्योंकि पूरा ही रेगिस्तान है, पूरा सुनसान है। लेकिन धुली चंद्र उसकी टीम वाले इतना माइंड नहीं करते हैं, सोचते हैं कि हमको क्या है, हमको पैसे मिल रहे हैं काम करने के लिए, हम अपना काम करेंगे, उसके बाद अपना टेंट उठाएंगे और निकल जाएंगे अपने शहर जाने के लिए।
ये लोग ठीक वैसा ही करते हैं, अपने काम में लग जाते हैं। जो टेंट वेंट बांधने का काम कर रहे थे, जो वहां पे डेकोरेशन काम कर रहे थे लोग, जैसे ही वो लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, वैसी ही उनकी तबीयत खराब होने स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है तबीयत खराब में, कुछ लोग जो थे ना उनको अजीबोगरीब तरह से चक्कर आने लगता है, उनको अजीब सा पसीना आने लगता है, उनको घबराहट सी होने लगती है, कुछ लोगों को अजीब तरह से अचानक से उल्टी होने लगती है, उनको अजीब सी नेगेटिविटी लगने लगती है, कुछ लोगों को अजीब सा मिर्गी का दौरा पड़ने लगता है। धुरीचंद को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि जो मेरी टीम के काम करने वाले लोग हैं, इनकी हालत इतनी ज्यादा क्यों खराब हो रही है। वो सोचता है कि एक बार टेंट वेंट बन जाए, एक बार काम हो जाए, उसके बाद मैं इनको हॉस्पिटल लेके चला जाऊंगा। क्योंकि वो जिस गाँव में जहाँ पे टेंट बांध रहे थे, जहाँ पे डेकोरेशन कर रहे थे, वो गांव बहुत ही छोटा गांव था और वहां से जो हॉस्पिटल का डिस्टेंस था वो भी बहुत ज्यादा था। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, पानी वानी पिलाता है, थोड़ा सा बोलता है 10-5 मिनट बैठ जाओ भाई, उसके बाद काम हम कर लेना। लेकिन उसको भी अंदर से घबराहट और अजीब सी, मतलब बोलते ना, उसके माइंड में नेगेटिविटी अजीब सी लग रही थी। उसको पता नहीं क्या क्या फील हो रहा था, खुद नहीं समझ पा रहा था मैं क्या फील कर रहा हूं, टीम के लोग भी पता नहीं क्या फील कर रहे हैं। ये सब कुछ करते करते डेकोरेशन करते हैं, उसके बाद अब टाइम आ जाता है इनके, वो लोग जो शादी वाले लोग थे, उनके वहां पे आने का। जब शादी वाले लोगों को देखते ना ये लोग, तो बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों शॉक्ड होते हैं मैं आप लोग बताती हूँ। शादी वाले जो लोग दिखाई दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि वो लोग बहुत ही पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, बहुत ही पुराने जमाने के, यही 100-200 साल पहले शायद लोग पहनते होंगे, वैसे टाइप के कपड़े पहने हुए हैं और अजीबोगरीब टाइप दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी शक्ल है वो भी आजकल के लोगों जैसे शक्ल दिखाई नहीं दे रही है, मतलब हाँ शक्ल चेंज होती है, जैसे जनरेशन चेंज होता है, जनरेशन चेंज होने के साथ साथ शक्ल भी चेंज होती है, जैसे शक्ल दिखाई नहीं दे रही है। ये सब कुछ अभी धुलीचंद ऑब्जर्व कर ही रहा होता है, तभी एक चीज वो ऐसी नोटिस करता है जिसकी वजह से उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है। वो क्या नोटिस करता है कि जो लोग एंटर कर रहे हैं ना टेंट में, उन लोगों की तो परछाई बन ही नहीं रही है। मतलब ये कैसे पॉसिबल है, आप एक बार सोचो, कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान हो और उसकी परछाई नहीं बन रही हो। हर इंसान की परछाई, यहाँ तक कि जानवरों की परछाई भी बनती ही है, वो उसके लिए बहुत शॉकिंग होता है। एक लोगों को नोटिस करता है, दूसरे को नोटिस करता है, तीसरे को नोटिस करता है, जितने लोग एंटर कर रहे हैं टेंट में, जितने लोग आ रहे हैं, सबकी शक्ल अजीबोगरीब दिखाई दे रही है, उनकी परछाई बनी नहीं रही है। तभी धुलीचंद के दिमाग में ऐसा आता है, अजीब सी नेगेटिविटी उसके दिमाग में आती है, सोचता है कि नहीं, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, और ज्यादा टाइम तक हम लोग यहाँ पे रुके रहे तो हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए होंगे सपने में। वो भागते हुए नॉर्मल, मतलब नॉर्मल खुद को दिखाते हुए और भागते हुए जो उसके टीम के लोग थे, जो डेकोरेशन करने वाले लोग, उनके पास जाता है और एक जगह बैठा के कुछ लोग कान में और कुछ लोग ऐसे बोलता है कि हम लोगों को अभी तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। टीम वाले लोग बोलते हैं क्यों क्यों निकलना पड़ेगा, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है। बोलता है कि बात मत करो ज्यादा और ज्यादा रिएक्ट मत करो, दो दो तीन तीन लोग करके ऐसे ऐसे करके यहाँ से निकलो, और किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए और किसी को बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि हमको कुछ उनके बारे में पता है या हम कुछ फील कर पा रहे हैं। तो टीम वाले लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या। धुलीचंद बोलता है कि मैं कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा, सब लोग धीरे धीरे करके यहाँ से निकलो। क्या करते हैं, दो दो तीन तीन लोग, एक एक लोग कर कर करके ऐसे ऐसे कर करके निकल जाते हैं। उसके बाद लास्ट अभी बारी आती है धुलीचंद के निकलने की। जो लोग आए हुए थे ना वहाँ पे शादी में, टेंट में जो लोग आए हुए थे, वो इन लोगों से बात कर ही नहीं रहे थे, उनके मुंह से कुछ बात करते हुए सुना ही नहीं धुलीचंद ने। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अजीबोगरीब लोग हैं, उन लोगों ने मुझे शादी में बुलाया है टेंट के लिए, हर चीज के लिए, एटलीस्ट आके बात तो करे या एक दूसरे से आपस में तो बात करे। आपस में भी वो लोग बात नहीं कर रहे होते हैं। वो सोचता है कि अभी तो बेस्ट मौका है, टीम वाले लोग धीरे धीरे यहाँ से निकल गए हैं, अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। वो क्या करता है कि धीरे से बिना किसी को भनक लगे वहां से निकलता है और भागते हुए अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेके भागते हुए गाड़ी नॉन स्टॉप चलाता है, थोड़ा बाहर निकल जाता है, बाहर जहाँ पे लोग रुके हुए थे, लोग रुकाया था वहां पे, उन लोगों को बैठाता है और भागते 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 वहां से 12-13 किलोमीटर दूर आ जाता है। 12-13 किलोमीटर दूर आता है, उसके बाद थोड़ी सी राहत की सांस लेता है कि चलो फाइनली वैसी जगह से हम लोग निकल गए, शायद कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ थी और कुछ तो वो लोग हैं, उन लोगों में झोल है, कुछ तो प्रॉब्लम है वहां पे, जहाँ पे 12-13 किलोमीटर दूर लोग निकले थे वहां पे। सोचते हैं थोड़ा रुकते हैं, पानी वानी पीते हैं और यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कुछ कि हम लोग सही में, हमारा वहम है या वहां पे कुछ प्रॉब्लम है। वो लोग पानी पी रहे थे, खुद को शांत करने की कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक
बूढ़ा सा आदमी दिखाई देता है वहां पे, वहीं पे एक पीपल का पेड़ था पुराना सा, वहां पे बैठा हुआ वो जो धूलीचंद था, वो बूढ़े आदमी के पास भागते हुए जाता है। उस आदमी की उम्र लगभग 60-65 साल की होगी। उसके पास जाता है भागते हुए, बोलता है काका कुछ कुछ यहाँ पे गड़बड़ है क्या, हम लोग वहां पे गए थे और हमारे साथ मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया हमने, कुछ हम घबराहट हो रही थी और कुछ लोगों की शादी वादी में लोग आए थे, मतलब घुमा फिरा के पता नहीं तोड़ मरोड़ के क्या क्या बोल रहा था। खुद वो बूढ़े आदमी को धूलीचंद की बातें समझ में नहीं आ रही थी। तो वो जो आदमी था धूलीचंद को शांत कराता है, बोलता है क्या हुआ बेटा बताओ मुझे। तो धूलीचंद सब कुछ एकदम डिटेल में बताता है। तो जो वो काका था ना, वो बोलता है कि मुझे वहां पे लेके चलो, कहां पे वो सब कुछ कांड हुआ है वहां पे लेके चलो। तो धूलीचंद बोलता है कि नहीं, टीम के लोग जाने के लिए रेडी नहीं होंगे। वो टीम के लोगों से बात करता है तो जो लोग थे बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। तो बोलता है बूढ़ा आदमी कि एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम लोग मेरे साथ वहां पे चलो, मुझे देखना है तुम कौन सी जगह पे गए थे और क्या तुमने एक्सपीरियंस किए हो। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं मानेगा। टीम के लोगों को बहुत मनाने की कोशिश करता है धूलीचंद, लेकिन वो मना नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश करने के बाद जो उसका असिस्टेंट था ना, एक जो उसके बहुत खास दोस्त टाइप भी था, उससे वो बात करता है। धूलीचंद बोलता है कि भाई देख, हम लोग को तो जाना पड़ेगा वहां पे, ये लोग नहीं जा रहे हैं, ये लोग को डर लग रहा है, लेकिन काका बोल रहे हैं अगर और कुछ प्रॉब्लम होगी हमारी जिंदगी में, कुछ मनुष्यता आने वाली होगी, उससे बचना है तो हमको वहां पे जाना तो पड़ेगा ही। वो जगह पे ये काका के साथ ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और पहुंच जाते हैं। उस जगह पे जब पहुंचते हैं काका के साथ, तो क्या पाते हैं, वहां पे जो भी टेंट लगा हुआ है, जो भी खाना पड़ा हुआ है, सब कुछ वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वहां पे एक इंसान तक दिखाई नहीं दे रहा है वहां। ये सबके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, इन दोनों के लिए, काका के लिए नहीं, क्योंकि काका को शायद कुछ पता होगा या नहीं, उनके लिए पता नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। ये दोनों देखते हैं कि हमारा खाना बनाया हुआ, टेंट वेंट सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, लेकिन कोई इंसान ने एक बूंद खाना तक नहीं खाया है। कोई जो पेपर प्लेट्स, जो ग्लास रखे हुए प्लास्टिक के, वो सब कुछ भी ऐसे ही नॉर्मल पड़े हुए, किसी ने एक यूज तक नहीं किया। और यहाँ पे जो लोग थे वो अचानक से गायब कहाँ हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वो काका को यकीन दिलाने की कोशिश करते, काका हमारी बात का यकीन मानो, आप यहाँ पे लोग थे और हम लोग यहाँ पे आए थे। काका बोलते हैं मुझे पता है, तुम लोग जब बोले थे ना तभी मैं समझ गया था कि ये माजरा क्या है। तो वो लोग बोलते हैं क्या क्या माजरा काका, मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप। काका बोलते हैं एक काम करो, फटाक से मेरे साथ चलो कहीं पे। ये लोग बोलते कहाँ पे, बोलते बस बात मत करो चलो। जो काका थे ना, इन दोनों को एक बाबा थे जो उनके काका गांव के पास में ही रहने वाला बाबा थे, उनके पास लेके जाते हैं और ये लोग बाबा से सारी चीजें बता देते हैं। तो बाबा इनको जो स्टोरी बताते ना, बैक स्टोरी, वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक स्टोरी थी। बाबा बताते हैं कि तुम लोग किसी के बहुत ही बुरे माया जाल में फंसने से बच गए। और तुम एक बात बताओ, वहां पे तुमने दुल्हन को तो नहीं देखा। तो धूलीचंद बोलता है नहीं, मैंने दुल्हन को नहीं देखा और हमारे टीम वालों ने दुल्हन को नहीं देखा, क्योंकि अभी उन लोगों की एंट्री हुई थी, कुछ लोग अभी आ ही रहे थे, एंटर कर ही रहे थे, तभी हम लोग प्लानिंग बना के वहां से भाग निकले थे। बाबा ने बोला बहुत अच्छा किया तुमने जो दुल्हन को नहीं देखा, अगर तुमने दुल्हन को देखा होता तो आज तुम यहाँ पे जिंदा खड़े नहीं होते। वो बोलते क्या क्या प्रॉब्लम है बताओ बाबा, क्यों वहां पे और हमको कॉल क्यों आया था, हमारे साथ ऐसा एक्सपीरियंस क्यों कर रहे हमने ऐसा। बाबा बताते आज से 120 साल पहले वहां पे जो एक अलवर नाम का जो शहर है, वहां से बड़ी फैमिली, बहुत ही बड़ी रईस फैमिली, उस गांव में एक लड़की को देखने के लिए गए थे शादी करने के लिए। लेकिन वो बड़ी फैमिली उस गांव में जाती है उस लड़की से शादी करने के लिए देखने के लिए, वो लड़की उन बड़ी फैमिली वालों को पसंद नहीं आती है और वो लोग वहां से उनकी बेइज्जती करके अपने अलवर में लौट जाते हैं। लेकिन जो लड़की थी जिसको देखने के लिए अलवर से वो बड़ी फैमिली वाले लोग आए थे, उस लड़की को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उसकी फैमिली वाले भी ताना मारते कि तेरे अंदर क्या कमी थी, मतलब क्यों इतनी बड़ी फैमिली, इतने रईस लोग तुझे देख के ऐसी ही मतलब मना करके रिश्ता चले गए, बहुत बड़ी बात है। तो लड़की को ये सब हर्ट होता है, उसको बिल्कुल सदमा लग जाता है और वो वहीं पे खुद को लटका के खुद की खुशी कर लेती है। उसके बाद से जो इस गांव में तुम लोग गए थे, उस गांव में असली कहर शुरू होता है। उस गांव के एक एक लोग ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं, इतनी एक्सपीरियंस करने लगते हैं उस गांव के लोग,
कि उस गांव के एक एक लोग उस गांव को छोड़ के कहीं और शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और आज से 30 साल पहले वो जो गांव था वो पूरी तरह से खाली हो गया, वहां पे एक भी इंसान नहीं है। अगर अभी भी कोई वहां पे रहने की कोशिश करता है तो एक दो दिन के अंदर ही वहां से खुद का बोरिया बिस्तर लेके गायब हो जाता है, क्योंकि वो जो जगह है बहुत ही ज्यादा मनहूस और बहुत ही ज्यादा खौफनाक जगह है। वो जो लड़की है उसकी आत्मा अभी भी उस जगह पे भटक रही है, और उसकी जो आखिरी ख्वाहिश थी शादी वाली वो लेके अभी भी जो चीजें कर रही है, जैसे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंस तुमने किया, ये सब कुछ बहुत लोग एक्सपीरियंस करते हैं। आज से 30-35 साल पहले ऐसा ही एक और आदमी था, जो टेंट वाला शादी करवाने वाला आदमी था, उसको इस गांव के लोगों ने मना भी किए थे कि तुम वहां पे मत जाओ वो काम करवाने के लिए, टेंट वेंट बांधने के लिए, क्योंकि वो भूतिया जगह है। लेकिन वो टेंट वाला पैसे का लालची था और बिल्कुल भी नहीं मानता है और बातों विश्वास नहीं करता, वहां पे जाता है और पूरे टीम सहित वो टेंट वाला बंदा आज से 30-35 साल पहले वहां से गायब हो जाता है। और जब से वो गायब हुआ टेंट वाला बंदा, तब से तो लेके आज तक उस गांव में कोई रहा ही नहीं है। और तुम लोग वहां पे गए, सब कुछ डेकोरेशन किया और तुम लोग जिंदा वापस आ गए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन सोचो, वो दिन था और आज का दिन है, जो ये है धूली चंद, वो अपना जो बिजनेस था टेंट वाला पूरी तरह से बंद कर देता है, और जो एक्सपीरियंस उसने किया था उस दिन वो आज तक नहीं भुला पाया है। अरे यार, कोई नहीं भुला सकता। अगर किसी के साथ इतनी खौफनाक घटना घटती है तो कौन भुला पाएगा। बस सोचो आप, राजस्थान में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है, वहां पे अलग भगवान होते हैं, वहां पे एक से एक भूतिया लोकेशन है, वहां पे एक से एक चीजें होती रहती है। उसमें से एक और ये चीज थी जो मैं आप लोग साथ शेयर की। आप लोग बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना, ताकि जब भी मैं ऐसी खौफनाक वीडियोज लेके आऊँ सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ एक खौफनाक से बहुत ही डिफरेंट डरावने वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।